नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन जैनबेरी आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आ गए हम लोग जनवरी की प्रेडिक्शंस करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं हम लोग मीन राशि के बारे में कि मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपका जनवरी का महीना। तो बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपके जॉब, बिजनेस, फाइनेंस के बारे में, ऑब्स्टेकल्स क्या आ रहे हैं आपके बारे लाइफ के बारे में, आपकी हेल्थ, और जानते हैं कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स के बारे में। ये स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी कि स्टूडेंट्स के बारे में भी कुछ बताया जाए। तो ये जानते हैं जी क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। बहुत मेहनत करिए, थक गए अब, और थक भी इस तरह से गए कि अब ऐसा लगता है कोई तो सहारा मिल जाए। हर चीज को बैलेंस कर करके थक गए आप। कुछ नया आता है तो आप एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी जिद पे अड़े पड़े हैं। ज्यादा गुस्सा करने वाला इंसान कभी प्यार के माहौल में रह नहीं सकता, सब दूर भागते हैं उनसे। क्यों बन रहे हो ऐसे, इतना गुस्सा क्या फायदा? ठीक है, गुस्सा काम में, एग्रेशन होना काम में बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे खराब बात क्या है कि अब आपको पता है कि अगर कोई नया काम करना है, आग का दरिया है, डूब के जाना है, तो वो आपका कॉल है, आपको जाना है, वो आपने डिसाइड किया, हमने नहीं डिसाइड किया। पर अगर आपको पता है कि वो करके जाने के बाद आपकी लाइफ में एक न्यू ग्रोथ होने वाली है तो करो, उसका इल्जाम दूसरों पर नहीं लगाना। आपको सब जगह अंधेरा दिखता है, आपको लगता है कोई भी शायद इस दुनिया में आपको समझ नहीं सकता। कप्स का कार्ड ही नहीं है यहाँ पे, टेम्परेंस का कार्ड है जो कि डिनोट करता है कि आपको सब कुछ मालूम है, हर चीज बैलेंस कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, चीजों को आगे बढ़ा सकते हो, अकेले को रास्ता दिखा सकते हो, कोई परेशान है तो उसको सही डायरेक्शंस दिखा के उसको मूव ऑन करा सकते हो। बहुत सारी चीजें, कहने को पैसा, प्यार, सब कुछ है आपके पास। पर पता है आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आपको अपने से प्यार नहीं है, सेल्फ लव नहीं है। अगर आपके अंदर एक सेल्फ लव पैदा हो जाए ना, अपने से अगर आप प्यार करने लग जाए, अपना ख्याल रखने लग जाए, तो लाइफ बहुत अलग हो जाएगी। आपके गुस्से से आप अपनी शादी को भी खराब कर रहे हैं अगर आप मैरिड हैं तो, और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, आप सिंगल हैं, तो आपकी लाइफ में अगर कोई आना भी चाहे तो वो भी नहीं आएगा क्योंकि क्रोध इतना है। कोई तो है आपकी लाइफ में, या आप खुद बड़े अबंडेंट हो, या कोई तो है आपकी लाइफ में जो आना चाहता है और वो ऑलरेडी बड़ा अबंडेंट है। ठीक है, मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, मेहनत कर करके आप थक चुके हो, सब कुछ तो बना लिया अपनी जिंदगी में, सब कुछ तो कर लिया, प्रैक्टिकल सोच के देखो तो किस चीज की कमी है अपनी लाइफ में? सिर्फ अपने पे प्यार। क्या करोगे इतना पैसा बना के जब उसको अपने पे यूज नहीं कर पाओगे? अपने पे लगाओ, घूमने जाओ, एक्सप्लोर करो, फैमिली के साथ जाओ। बहुत बड़ा एम्पायर बना लिया, सब कुछ कर लिया, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी गुड, थोड़ा सा अपने पे खाया, थोड़ा सा। अभी भी कुछ इच्छाएं हैं जिन्हें पकड़ के बैठे हो, दो वांट्स के, तीन वांट्स के कार्ड हैं, और तीनों के तीनों वांट्स में चार क्लियर वांट्स के कार्ड है। हेरिफेंट में भी वांट्स पकड़ा है, किंग ऑफ वांट्स में भी वांट पकड़ा है, थ्री ऑफ वांट्स में भी वांट पकड़ा है, और नाइन ऑफ वांट्स में भी वांट्स पकड़ा है। तो जब वांट्स ही पकड़ के बैठोगे तो कुछ तो इच्छा है जो आप पकड़ के बैठे हो। अभी भी बहुत कुछ करना है, हो जाएगा बाबा, सब हो जाएगा। तो शुरू तो होने दो चीज़ों को, इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेते, इल्यूजन्स नहीं क्रिएट करते, रिलैक्स। कोई ऑफर आने वाला है बहुत जल्दी, ऑब्स्टेकल है कि सामने से कोई बंदा चल के आता है और आप उसकी बात ही नहीं सुनते। क्यों भाई, पता है क्यों? प्यार नहीं है। किसी की जादू की जप्पी पाई है किसी को? कोई तो होगा दोस्त, कोई तो होगा ऐसा जो बहुत, आप जिसको बहुत चाहते हो, या कोई आपको बहुत चाहता है, जाके उसे एक जादू की छप्पी दे दो, पता है कितना रिलैक्स मिलता है, करके देखो, सारी टेंशनें गायब हो जाती हैं विद इन सेकेंड्स। चाहे अपनी माँ से गले मिलो, अपने फादर से मिलो, किसी से भी मिलो, भाई बहन, दोस्त बंधु, किसी से भी गले मिलो, जस्ट हग टाइटली। जैसे ही
स्ट्रेस रिलीज होगा, गुस्सा शांत होगा, रीयूनियन होगा। कोई ना कोई आपकी लाइफ में आ रहा है जो स्पिरिचुअली डिवाइन आपको भेज रहे हैं, और उनका आना, उनका यूनियन करना ही आपके साथ बहुत बढ़िया कुछ लाइफ में ग्रोथ देने वाला है। इंट्यूशंस आपके इतनी स्ट्रांग हो गए हैं, आपको खुद पता है कि आप जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली डिवाइन से कनेक्ट हुए थे उसका ही रिजल्ट है ये। अब चीज़ें अलाइन हो रही हैं, सब कुछ बढ़िया होता है, कम्युनिटी में आपका लेवल अप हो रहा है, कुछ कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, और इतना बढ़िया हो रहा है जो आपकी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि शायद वो इस साल अचीव नहीं कर पाएंगे जो गोल्स आपको चाहिए, तो इस इल्यूजन्स को इरेज कर दीजिए, अपनी बुक्स को साउथ वेस्ट कॉर्नर में जाके एक येल्लो कपड़े के ऊपर अपनी बुक्स को रख दीजिए, और वेस्ट में एक वाइट कलर के पेपर पे ब्लैक पेन से सर्कल बना के उसमें एक परसेंटेज लिख दीजिए, या जो चाहिए वो लिख दीजिए अपने घर के वेस्ट में। वास्तु के हिसाब से आपको बता रही हूँ डायरेक्शन, घर के सेंटर में खड़े होके आप चेक कीजिएगा कंपास से, आपको करेक्ट डायरेक्शन पता लग जाएंगी और तब आप कर लीजिए। चलिए जानते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, लव लाइफ कैसे छोड़ सकते हैं। जी, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, मैं कह रही हूँ ना स्पिरिचुअल यूनियन आ रहा है, कोई तो है जो आपका पास्ट लाइफ है ये, रोमांटिक फीलिंग्स है, उनको थोड़ा जगह दीजिए, क्योंकि अब आपकी फैमिली कन्फर्म बनने वाली है, और अगर आप के पार्टनर आपसे नाराज़ हुए हुए थे या आपने उनको नाराज़ करके भेजा था तो प्लीज़ जाके वापस लेके आइए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि दो बच्चे भी आए हैं, कुछ गुड न्यूज़ आपके चिल्ड्रन से रिलेटेड आने वाली है, कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है जो आपकी लाइफ वापस बदल देंगे। अगर काफ़ी समय से अपने बच्चों के साथ या अपनी फैमिली के साथ वक्त नहीं बिताया था, फिर से बोलूँगी जाइए उनके साथ वक्त बिताइए, ज़िंदगी को एक नई शुरुआत दीजिए, सब पुराने गिले शिकवे हटा दीजिए, जैसी ही चीज़ें क्लियर अप होंगी रास्ते और बढ़ते जाएंगे, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, लव, सब कुछ आपको अबंडेंस में मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट अपनी नई वीडियोस के सारे में, तो प्लीज़ ज़रूर मेरी वीडियोस को देखते रहिए, नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना ना भूलें, और मुझे फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। मिलती हूँ बहुत जल्द नई वीडियोज़ के साथ, मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन, धन्यवाद।